नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, 2022 के संपूर्ण वर्ष का फलादेश आपको जो दिया गया आपके सामने आया, जनवरी का भी हमने दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जनवरी का फलादेश भी आप देख सकते हैं। अब फरवरी का फलादेश देने जा रहे हैं, प्रत्येक राशि का देने जा रहे हैं। फिलहाल हम ये तुला राशि का राशिफल हम दे रहे हैं। सज्जनों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि ज्योतिष, वास्तु और अन्य धर्म ग्रंथों की जानकारियां आपको नित्य प्रति किसी न किसी वीडियो से आपको प्राप्त होती रहें। तो अब चलते हैं तुला राशि की तरफ। और तुला राशि का ये जो है मासिक फलादेश हम आपको दे रहे हैं। तुला राशि के दूसरे स्थान पर केतु और मंगल की स्थिति है, और केतु और मंगल की जो स्थिति है तो ये दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। तो कुटुंब के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा माहौल उत्पन्न हो जिसके अंदर अशांति की प्राप्ति हो, कलह की प्राप्ति हो, ऐसा जो है इस फरवरी के अंदर ये केतु और मंगल ऐसा संयोग बना रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जिस राशि का स्वामी अपने घर में बैठा हो और उसके साथ में अगर केतु की स्थिति हो तो उस राशि स्वामी के फल को वो चार गुना बढ़ा देता है। अर्थात यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जो आपकी योजना के अनुसार हो या बिना योजना के अनुसार हो, कोई बहुत बड़ी धनराशि भी आपको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है वो विवाद धनराशि के कारण ही हो, लेकिन ऐसी संभावना बन रही है। और इस महीने के अंदर भाई के साथ में, भाई के द्वारा भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। माता के द्वारा भवन से, वाहन से भी आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी और मन जो है प्रसन्न रहेगा। हो सकता है इस महीने के अंदर कोई आप जमीन जायदाद का सौदा कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या उसका कोई बयाना दे सकते हैं, या कोई नींव लगा सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं जमीन से संबंधित लाभ के लिए। और इसमें ये पूरा ही महीना संतान के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जिनकी संतान नहीं हुई है उनको संतान हो सकती है, जिनकी संतान है उनसे अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, उनकी पढ़ाई की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, उनसे अच्छे संबंध, अच्छा सहयोग जो है आपको प्राप्त हो सकता है। अवस्था के अनुसार, अगर बच्चे छोटे हैं तो उस अनुसार अच्छे परिणाम निकलेंगे, बड़े हैं तो उस अवस्था के अनुसार परिणाम निकलेंगे। लेकिन अब मैं आपको चलता हूँ वार्षिक फलादेश के साथ साथ, मासिक फलादेश के साथ साथ, अब मैं आपको दैनिक फलादेश के अंदर ले जाता हूँ। 1, 2 और 3 तारीख, ये उस समय पर भाइयों से, मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। 4 और 5 तारीख ये जो हैं कुछ मन में असंतोष देने वाली हैं या मन को उदास रखने वाली हैं, उस समय पर कोई चिंताजनक ऐसी स्थिति बन सकती है कि मन जो है चिंताओं में डूब जाए। 6 और 7 तारीख ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। 6-7 फरवरी के अंदर पुत्र से, विद्या से, संतान से, इनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी अच्छा गुजरेगा। और 7 और 8 तारीख ये थोड़ी सी विवादास्पद है, इसके अंदर किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, शारीरिक कोई कष्ट हो सकता है। लेकिन 10, 11 और 12 तारीख ये आपके लिए अच्छे समाचार लेकर के आ रही है। किसी का संबंध नहीं हुआ है तो इस 3 दिन के अंदर यानी 10, 11, 12 तारीख के अंदर कोई संबंध स्थापित हो सकता है, संबंध बन सकता है, संबंध रोका जा सकता है, किसी का विवाह हो सकता है। पत्नी और प्रेयसी के साथ में अच्छे संबंध इस समय पर बनने के संयोग बनते हैं। 13 और 14 तारीख जो हैं ये थोड़ा सा शारीरिक रूप से कष्टदायी है, पीड़ादायी है, तो 13-14 तारीख को आप सावधान रहें। और 13-14 के बाद में ये 15, 16 और 17 तारीख ये यात्राओं की हैं, और वो यात्रा नुकसानदायी नहीं होंगी, लाभदायी होंगी। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धर्म प्रयोजन से भी हो सकती है, धार्मिक उत्सव भी उस समय पर हो सकते हैं और उस समय पर धार्मिक प्रवृत्ति भी बन सकती है, लेकिन यात्रा किसी न किसी प्रकार से होगी और वो लाभकारी होगी। 18 और 19 तारीख कोई राजकीय कार्य आपका होने वाला है, राज्य से रुका हुआ कार्य आपका होने वाला है,
किसी की नौकरी लगने वाली है, तो किसी का प्रमोशन होने वाला है, तो किसी को पिता से सुख मिलने वाला है, तो किसी से को पिता से आशीर्वाद और पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय पर आप लोगों को हो सकता है। ये अब मैं चलता हूँ 20, 21 और 22 तारीख, ये भी आपके लिए लाभदायी है, किसी भी प्रकार से हो ये लाभदायी होगी। लेकिन 23 और 24 तारीख ये इस समय पर सावधानी का है, वो खर्चों का दिन है, विशेष रूप से खर्च होंगे, हो सकता है आपसे कोई उधार ले जाए और वो उधार डूब जाए आपकी, हो सकता है आप किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी व्यापार के अंदर कोई इन्वेस्ट कर दें और वो आपका जो है निकलने ना पाए, इसलिए इन दो दिनों के लिए धन को रोक करके आप रखें। अब आप चलिए 25, 26, 27 और 28 तारीख, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही सुखद परिणामों को देने वाले, घर के अंदर अच्छे माहौल को उत्पन्न करने वाले, अच्छा जो है समारोह बनाने वाले और खुशियों को देने वाले हैं। इस समय पर आप हर प्रकार से प्रसन्न रहेंगे। 29 और 30 तारीख भी आपके मित्रों के लिए या भाइयों के लिए या भाइयों के द्वारा आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना उस समय पर हो सकती है। और फिर 31 तारीख फिर थोड़ा सा मन उदास कर सकती है या किसी कारण से जो है मन में असंतोष रह सकता है। तो ये मैंने आपको फरवरी मास की जानकारियां जो है, फरवरी में 31 तारीख कोई होती नहीं है ध्यान रखना, लेकिन वो फिर भी उसके हिसाब से यानी महीने का जो लास्ट है वो उसके लिए आपको बताया गया। और अब आपसे केवल एक ही निवेदन है, फोन जब भी करें तो 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में करें तो आपका फोन उठाया भी जाएगा, आपको जवाब भी दिया जाएगा, अन्यथा हो सकता है बाद में और पहले किया हुआ फोन आपका ना उठ सके तो उसमें आपको परेशानी महसूस होगी। इसके अलावा आप कोई भी अपने भविष्य के विषय में, अपने किसी भी प्रकार के विषय में, ज्योतिष के विषय में, वास्तु के विषय में कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके और आप जो है अपनी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष वास्तु तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे यूट्यूब चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।